ये कुंभ सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का ही संगम नहीं था, बल्कि इस बार यहाँ आस्था, स्वच्छता और रिकॉर्ड का भी संगम हुआ। महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही कुंभ का समापन हो गया, लेकिन सुनहरी यादें हमेशा के लिए दे गया है। कुछ पन्ने पलटते हैं और आपको वो बातें याद दिलाते हैं जो आप भूले नहीं होंगे। ये तस्वीर आपके जहन में ताजा होगी। पहली बार प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। इन तस्वीरों को जहां एक तबके ने खूब पसंद किया, तो दूसरी तरफ राजनीति और खिंचाई भी हुई। यहां 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पहली बार ऐसा हुआ जब 5 अलग अलग जगहों पर इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर झाड़ू लगाई। कुछ और रिकॉर्ड बने जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पेंट माई वॉल के तहत 7,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने एक हाथ की छाप लगाई थी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। इसके पहले एक साथ 503 शटल बस चलने का रिकॉर्ड बनाने के बाद स्वच्छता को इस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये रिकॉर्ड कुंभ के नाम रहे। महाकुंभ जैसी भव्यता वाला ये पहला अर्ध कुंभ था, जहां हर बार नई जैसी पुरानी समानता थी, तो बस अखाड़े, श्रद्धालु और नागा साधुओं के करतब। अलग अलग रंग रूप में बाबाओं ने श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित किया। इस कुंभ में आने वाले लोकसभा चुनाव की झलक भी थी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और कई बड़े नेता कुंभ स्नान के लिए पहुंचे। राजनीति भी हुई। ये पहली बार था जब कुंभ इलाहाबाद की बजाय प्रयागराज में मनाया गया। इस कुंभ में 185 देशों के 220 प्रतिनिधि आए। दुनिया भर के 12 करोड़ लोगों ने इस पवित्र संगम में डुबकी लगाई। यूनेस्को ने कुंभ को विश्व धरोहर में शामिल किया। साधुओं ने देह दान की नई परंपरा शुरू की। और सबसे खूबसूरत रहा संगम पर गंगा जमुनी तहजीब का संगम, जिसने हमें असल भारत दिखाया, वो भारत जहां प्रेम, करुणा और भाईचारे का संगम होता है।